नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े दम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस बीमारी के लिए हमें किस डॉक्टरों को मिलना चाहिए। हमें पता होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश में सुनते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट, तो हम में से कुछ लोग कन्फ्यूजन में आए थे। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब पीडियाट्रिशियन मतलब, अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब, ओके डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब हम समझ नहीं पाते कि हम इनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर वे में कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैंने जनरल प्रैक्टिशनर जीपी, तो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं बीएमएस बीएचएम, जिनको हम जाके दिखाते हैं सर्दी हो गया, बुखार खांसी कुछ भी आ गया, बीपी हाई है, तो जनरल चेकअप के लिए हम उनके पास जाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? जनरल प्रैक्टिशनर। इस तरीके से मैंने चीज़ों को यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब जाके हड्डी के डॉक्टरों को मिलो, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, जो प्रॉपरली बोन चेकअप, अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है, कुछ भी चीज़ें हो गई, तो आप कहाँ जाते हैं? ऑर्थोपेडिशियन के पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिक। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर वे में। आप देखिए मेरे इस वीडियो को, यहाँ से यहाँ तक एंड तक मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की है प्रॉपर वे में। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आगे चल करके फ्यूचर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और इन सब चीज़ों के बाद अगर कुछ रह गया है, मुझसे कुछ छूट गया है और आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे डाल दीजिएगा कमेंट्स। मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, कुछ मुझसे छूट गया होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।